भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बेहतरीन मुकाबला यहां पर खेला जा रहा है। बड़ी बात यह है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 191 रनों का लक्ष्य दिया है, लेकिन अब यह लक्ष्य बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। पावर प्ले खत्म भी नहीं हुआ है, 5 ओवर भी नहीं हुए कि ऑस्ट्रेलिया को 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले तो मार्कस स्टोइनिस को सिद्धार्थ कौल ने आउट किया और दूसरा शिकार विजय शंकर ने किया एरन फिंच के रूप में, जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है। एरन फिंच मारना चाह रहे थे लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन यहां पर शिखर धवन ने कवर्स पर पकड़ लिया उनका कैच, एक बेहतरीन कैच उन्होंने पकड़ा। बॉल उठ गई और हवा में थी, जिसके बाद विजय शंकर को सफलता मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लिए उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम किस तरह से मैच को परखती है, क्योंकि 5 ओवर का खेल लगभग हो गया है। 2 ओवर बुमराह के हो गए हैं, 2 ओवर विजय शंकर के हो गए हैं, 1 ओवर सिद्धार्थ कौल ने डाला है और बुमराह को सफलता नहीं मिली है, बल्कि विजय शंकर और सिद्धार्थ कौल को अच्छी सफलता मिली है। फिलहाल 5 ओवर में 31-2 हो गया है ऑस्ट्रेलिया का स्कोर। ग्लेन मैक्सवेल एक छक्का जड़ चुके हैं, जसप्रीत बुमराह को छक्का जड़ा है उन्होंने। अब देखना होगा कि किस तरह से भारत वापसी करता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।